Wow. He has justified his character and he's amazing. Beyond amazing. Alia Bhatt. She's good. She's good. Music, music is very nice. Like Ranveer Singh has sang the whole rap. It's just wow. How many stars are you out of 5? 4. Thank you. Okay. Awesome movie. क्या कहना चाहिए? अच्छी एक्टिंग भी अच्छी थी, मतलब सबको अच्छा था मूवी का, मस्त अच्छी मूवी थी. आलिया भट्ट की एक्टिंग, उसकी अच्छी एक्टिंग थी. म्यूजिक के बारे में? म्यूजिक तो यार बहुत बेस्ट था. 5 में से कितने स्टार? हां 5 में से कितने स्टार? 5 में से 5 स्टार दूंगा मैं पूरा. अच्छी ऑसम मूवी. थैंक यू. ये सुनो, एक्सक्यूज मी, थैंक यू. ठीक ही थी, लेकिन अंडरग्राउंड रैप बैटल उतना नीट नहीं होता जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया था. एनीवेज हिप हॉप को मौका मिला आने के लिए, बहुत इतना नीटली नहीं होता जैसे मूवी में दिखाया गया था. होप सो बेटर होगा. 3.5. अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आई. रणवीर सिंह इज ऑसम, बहुत मजा आई. आलिया भट्ट, आलिया भट्ट तो अपने बॉयफ्रेंड वाला डायलॉग सुपर है वो. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छी है मूवी और बहुत क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी और रैप भी बहुत अच्छा है मूवी का. अपना टाइम आएगा एक्चुअली, रणवीर का टाइम आ गया. बहुत अच्छा, सिम्बा के बाद एक वंडरफुल मूवी देखने मिली. आफ्टर सिम्बा सच अ गुड मूवी. एंड सी 7:30 शो में हमने पहला शो देखा बिकॉज ऑफ रणवीर. एंड मैं तो 5 out of 5. म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, क्या गाया है बंदे ने, मतलब फाड़ दिया है. 5. कैसी लगी फिल्म आपको? रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट, गुड कॉम्बिनेशन एंड इट विल अट्रैक्ट यूथ फॉर श्योर. Alia Bhatt as an performer? Yeah, awesome. Music of the film? It's good, good. Storyline? Storyline, that will be a surprise for you when you watch the movie. How much star would you give? 5 on 5. Thank you, sir. Thanks. Very nice. बहुत अच्छी. रणवीर सिंह का डायरेक्शन एक नंबर काम किया है. जोया अख्तर का डायरेक्शन, सॉरी, रणवीर सिंह की एक्टिंग एक नंबर, आलिया भट्ट की एक्टिंग एक नंबर और जोया अख्तर का डायरेक्शन, सल्यूट है उसको. मतलब इस तरह की कोई अभी तक ऐसी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी रणवीर सिंह की. मतलब सब में अलग अलग वे है. मतलब अब वो रणवीर सिंह ने अपने वे से बहुत जबरदस्त किया, आलिया वे ने अपने वे में बहुत जबरदस्त किया, ऐसे कह सकते हैं. बहुत जबरदस्त. म्यूजिक में जो लास्ट वाला गाना है अपना टाइम आएगा, एक नंबर गाना है. और बहुत से ऐसे गाने थे जो मैंने नहीं सुने, अभी मैं खुद जाके डाउनलोड करके सुनूंगा. मतलब मजा आ गई. क्लिट 5 में से 6 स्टार. जबरदस्त भाई, मजा आ गया. मूवी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया, जबरदस्त. बोले तो अपने लेवल का मूवी भाई. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? यार ये थोड़ा मुश्किल होगा. वो जबरदस्त था भाई, दिल को छू गया यार. सब चीजें मतलब यहाँ से उठाया वहाँ पे ले गया मूवी को. अरे वो तो बंदा है ही फैंटास्टिक है यार. म्यूजिक जबरदस्त था भाई, वो फैंटास्टिक है. जैसे भाई ने बोला 5 में 6 ले लो. फिल्म बहुत अच्छी है और चलेगी. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट काम बहुत अच्छा. कहानी कितनी अच्छी लगी? कहानी भी बहुत अच्छी है. अच्छा ये बताओ, वो जो रैपर के ऊपर है इंस्पिरेशन अच्छी है. डायरेक्शन के बारे में क्या? डायरेक्शन जो है डायरेक्शन का बहुत अच्छा है. म्यूजिक के बारे में क्या? म्यूजिक भी अच्छा है. कितने स्टार देना चाहेंगे? 5. क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मूवी बहुत अच्छी है, जितनी रियल रख सकते थे पिक्चर को उतना रियल रखा गया है. पिक्चर की कहानी, फिल्म की हीरो है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जोया अख्तर, सिड, विजय राज और जितनी पूरी टीम है, जितने भी सपोर्टिंग स्टार कास्ट है, एक एक बंदा बहुत रियल लगा है. स्पेशली पिक्चर में जो लोकेशन है धारावी, इतनी रियल लगी है. मतलब ये पिक्चर आप इतना कनेक्ट करेंगे, ये पिक्चर आप जाके देख सकते हो, सबके साथ देख सकते हो. वैलेंटाइन की वीक में रिलीज़ हुई है, पर कपल्स, बड़े बूढ़े, बच्चे सब इस पिक्चर को एंजॉय करेंगे. तो भाई पिक्चर रिलीज हो चुकी है, मचा रही है, जाके देखो. बेटर परफॉर्मर आलिया भट्ट और रणवीर सिंह? पिक्चर की कहानी, पिक्चर की हीरो है, परफॉर्मेंस सबकी एक नंबर है, सब एकदम रियल लगे हैं भाई. ऐसा आपको लगेगा नहीं कि किसकी बेटर है किसकी कम है. पर हाँ, जब जब इसमें जब सिड जो इनके फ्रेंड बने हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, उनको उनका
उनके काइंड ऑफ गॉडफादर ही है उसको रैपिंग वगैरह सब उनका अंदर का ज्वाला निकलवाते हैं तो भाई उन इतने रियल लगे हैं ना वो ज़्यादा पिक्चर के हीरो है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपको मदद करते हैं जो आपके अंदर से आपका हीरो अंदर से निकलवाते हैं तो भाई उन्होंने बोला था कि तेरे अंदर का लावा फाट के बाहर आ रहे थे तो भाई लावा फाट के बाहर आया पिक्चर एक नंबर है आगे देखो। म्यूज़िक एक बहुत बहुत रियल और बहुत ही डिफरेंट म्यूज़िक है। खैर इस बार मुझे अलग अलग सिंगर्स के बारे में अलग अलग सिंगर्स ने ये गाना अलग अलग सिंगर्स ने इस बार अलग अलग म्यूजिशियंस ने इस बार इस पिक्चर में म्यूज़िक दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रियल है। आप म्यूज़िक भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है बहुत टाइम के बाद ये पिक्चर की ज़रूरत थी। वैसे ये पिक्चर की ये जो कहानी है ये बताना बहुत ज़रूरी था जिस तरीके से बताया गया है वो बहुत सही है। 5 में से 5 थैंक यू सर।